सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मोटी वाली हरी मिर्ची। तो आज चलिए हम बनाते हैं मोटी वाली हरी मिर्ची। ये है अचार बनाने की, बड़े मिर्ची का अचार बनाएंगे हम। देखिए ऐसे है, हमने इसको अच्छे से वॉश किया है। अब इसको हम एक कॉटन के कपड़े से इसके अच्छे से इसके पानी, जितनी भी पानी लगा हुआ है इस पर, उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जिससे पानी इसमें से सूख जाए और अचार ख़राब ना हो। तो इसे ऐसे कपड़े से, कॉटन का कोई भी रुमाल हो या वैसे कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, आप ऐसे एक एक करके सारा एक एक करके पोंछिएगा। अगर पानी रह जाता है अगर इसके ऊपर, तो अचार ख़राब होने का डर होता है। साफ़ कर करके एक एक को करें। देखो हमने कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसका पानी सुखा लिया है। अब हम इसको बीच से फाक लगाएंगे ऐसे करके। जैसे डंडी निकाल देंगे, डंडी रह जाता है तो थोड़ा अचार ख़राब होने का डर होता है। इसको बीच से ऐसे काटेंगे। एक हम बर्तन ले लेंगे, दूसरा इसमें ऐसे। आप चाहें तो जितना भी छोटा बड़ा मिर्ची के ये फाक कर सकते हैं, क्योंकि जिसको जितना खाना होगा फिर उसी हिसाब से अपना लेके खा लेगा। और इसको हम तीन में, दो में, जैसे भी काटना चाहते हैं आदमी उसी को काट सकते हैं। ऐसे सारी मिर्ची को हम ऐसे ही काटेंगे। ये हमारा सारा मिर्चा कट के कंप्लीट हो गया। ऐसे आप चाहे तो जितना छोटा बड़ा पीसेस का कर सकते हैं और अपने डिजाइन में काट सकते हैं। इसको गोल भी काट के बहुत से लोग बनाते हैं, पर मैंने ऐसा इसको काटा है ताकि इसमें प्रॉपर मसाला लग जाएगा। ये अच्छे से हमने बराबर बराबर काट लिए हैं। अब इसमें हम हल्का सा डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्का सा ही डालेंगे नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी छोड़ देगा ये, क्योंकि अभी हमें इसे 5 से 6 घंटे धूप में डालेंगे। इसको अच्छे से पानी, इसमें से थोड़ा सा पानी रहेगा वो मतलब निकल जाएगा इसके अंदर से, और धूप अच्छे से लग जाएगी और इसकी अच्छे से कलर भी आएगा ऐसे करने से। हल्दी या नमक लगा के अब इसको हम 5 से 6 घंटे धूप में डालेंगे सूखने के लिए। जब इसका पानी थोड़ी सी मात्रा में सूख जाएगा तब हम इसको अचार बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको धूप में रखते हैं सूखने के लिए। ठंडे के वाला सूख गया। तो देखिए 5 से 6 घंटे की धूप इसमें लग गई है अच्छे से। बनाने को हम तुरंत भी बना सकते हैं इसको, मगर ऐसा है कि धूप लगाने से अचार जो पानी इसमें से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो अचार ख़राब होने की कम चांसेस होते हैं। तो देखिए हमने 5 से 6 घंटे इसकी धूप लगा ली है। अब इसके इसको बनाने के लिए अब इसे मसाला जो प्रयोग होगा वो दिखाती हूँ मैं आपको। 3 से 4 चम्मच साबुत धनिया, आधी चम्मच मेथी साबुत, और 1 चम्मच सौंफ, राई, एक चम्मच अजवाइन आधा चम्मच, और जीरा 1 चम्मच। तो इन सबको हम रोस्ट करेंगे फ्राई पैन में। सिर्फ राई को नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें से खट्टापन ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो ये 5 सामग्री हैं इन सबको हल्के आंच पे हल्का सा रोस्ट करके उसके बाद ही इसको मिक्सी जार में पीसेंगे। तो चलिए इसको रोस्ट करते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे बाद में हरी लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर और स्वाद के लिए नमक डालेंगे। और उसके बाद पहले रोस्ट करते हैं। डालेंगे हम धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन। अब इसको अच्छे से हम सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस हल्का हल्का सेकेंगे जिससे इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। देखिए अब ये गर्म है, हल्का सा और ठंडा हो जाने पे इसको मिक्सी जार में डाल के
पीसेंगे। हमने एक मिक्सी डाल लिया है और उसमें हम सारे मसालों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसको दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, सिर्फ दरदरा पीसेंगे इसको। तो चलिए देखिए, ये हमने बिल्कुल दरदरा पीसा है इसको, और इसमें हमने जो राई था उसको भी साथ में पीस दिया था डाल के इसके अंदर। अब हम इस एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल को गर्म करेंगे, पीस दिया था साथ में डाल के। देखिए हमने इतना दरदरा करा है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे। फ्राई पैन गर्म हो रहा है हमारा। जब हमारा फ्राई पैन तेज़ गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो आधा आधा किलो मिर्ची में सिर्फ 100 ग्राम ही तेल लगेगा, ज़्यादा तेल नहीं लगता है सरसों का। और सरसों के तेल में ही अचार अच्छा होता है, तो सरसों के तेल में ही अचार बनाइएगा। और खूब अच्छे से इसको गर्म करेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। देखिए इसमें बुलबुले आने लगे हैं। थोड़ी देर और हम पकाएंगे। जब ये मीडियम फ्लेम पे आ जाएगा, तेल गर्म होके, तब हम हल्का सा गुनगुना रहेगा तब इसमें हम मसाले सारे डालेंगे। तो देखिए ये इतना गर्म है कि अब हल्का सा ही गर्म है। अब इसमें डालेंगे हम आधा स्पून हल्दी पाउडर, आधा स्पून मिर्च। मिर्च मोटी वाली है तो कड़वी कम होती है, तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। जो लोग लाल मिर्ची नहीं डाल खाते हैं, वो उसी मिर्ची के साथ हरी मिर्ची भी 5-6 काट के डाल देंगे, तो उन्हें लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये देखिए अच्छे से हो गया। अब इसमें डाल देंगे जो हमने मसाला किया था सारा, इसको डालेंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें ज़्यादा गर्म नहीं किया क्योंकि हमने मसालों को भून रखा था, सिर्फ हल्दी को इसलिए पहले डाला था, गर्म था तो कच्चापन उसका भी ख़त्म हो जाए। देखिए, और हमने इसमें राई डाला है, तो अगर आपको खट्टा कम लगे तो आप इसमें आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें हम 2 स्पून नमक, 2 स्पून या जितना आपकी मिर्ची आप बनाते हैं उसको स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिएगा। मैं इसमें 1.5 स्पून डाल रही हूँ। उसको अच्छे से मिलाएंगे और हम इसको गैस से उतार लेंगे। गैस हमने बंद, देखिए गुनगुने में ही ये मसाला डालिएगा, ज़्यादा तेज़ में नहीं, मसाला सारे जल जाएंगे क्योंकि हमारे मसाले भुने हुए हैं। अब इसमें हम सारी मिर्ची को ट्रांसफ़र कर देंगे। और मिर्ची को धूप में अगर सुखाते हैं तो ढक के सुखाना, ताकि इसमें किरकिराहट ना हो। और इसमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। देखिए धूप दिखाने से बस इतना होता है कि आप इसको मसाले में कोटिंग करने के बाद अगर धूप में नहीं भी रखते हैं, धर्मी रहेगा, तभी भी आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कम से कम आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको किसी भी जिसमें से हवा बाहर ना निकले, शीशे के ग्लास में ही रख लिया जाता है। अचार शीशे के ग्लास में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। ऐसा एक जार ले लिया है। अब हम इसमें सारा ही अचार इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने ऐसे इसको इसमें डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म है, हल्का सा, अगर ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल तब इसको, अभी ढीला ही ढक्कन रखेंगे, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको बंद करके हमारा अचार बनके तैयार है। अब इसे हम, और आप जिसे चाहें रोटी के साथ, अचार के पराठे के साथ या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। और खाइएगा तब पता चलेगा आपको कैसा ये अचार बनके तैयार हुआ था। तो देखिए अब हम इसे कटोरी में डाल के ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं अचार ये कैसा बनाए। देखिए
देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इसे आप लंबे टाइम तक के लिए जार में रख सकते हैं, बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा। और आप जब चाहें तब इसे रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी खा लीजिए। मिर्ची तो हर मौसम में हर इंसान खाता ही है। हो गई है और आप घर पे बनाइए और खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।